नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी वेट कर रहे थे अपना अलॉटमेंट लेटर का, तो देखिए दोस्तों, फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आ गया है। इसमें एक पीडीएफ दिया गया है और उसमें सभी कैंडिडेट का नाम है, और जो अपना सिंगल अलॉटमेंट लेटर जारी करना चाहता है अभी उसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, बट आई श्योर आज रात 10 बजे या कल तक जरूर करा दिया जाएगा सिंगल। बट पूरा पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, और आगे कोई काउंसलिंग होगा या नहीं उसको भी हम जानेंगे। तो चलिए, कैसे आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में द टीएम एग्ज़ाम, जैसा कि आप सभी को पता है ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है द टीएम एग्ज़ाम, तो द टीएम एग्ज़ाम डॉट इन आपका खुल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आपका ये खुल जाता है आप नीचे जाइएगा और देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सेक्शन आपको जरूर मिलेगा बीएड के रिगार्डिंग। तो आपको बस बीएड के रिगार्डिंग सेक्शन को जो है क्लिक करना है और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी अपडेट कर झारखंड बीएड एडमिशन 2020-22 डाउनलोड फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप नीचे आएंगे और नीचे नीचे आपको लिंक मिलेगा, देख सकते हैं नीचे आपको जो लिंक दिया जाएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको देखिए दो तरह मिलेगा, एक क्लिक हेयर अवेलेबल, देख सकते हैं डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पीडीएफ फॉर फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग अवेलेबल। ये जो है आप सिंगल अलॉटमेंट लेटर कल अभी लिंक उसका एक्टिव नहीं किया गया है, अभी जो है सभी का जो एक्टिव किया गया। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और जैसे क्लिक करूँगा देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो बस इसका डाउनलोड होने का वेट करेंगे और पीडीएफ ये देखिए आपका सामने खुल रहा है। तो पीडीएफ जैसे खुल जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीडीएफ में क्या क्या है, किस प्रकार है और किन कैंडिडेट का नाम आया है, किसका नहीं आया है, सारा चीज़ हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में देखिए आज 5 तारीख है, और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड प्रोविजनली थ्रू फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन बीएड कोर्स। ओके, तो देख सकते हैं ये आपका अलॉटमेंट लेटर है। देखिए जो भी कॉलेज आपको अलॉटेड किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं पीडीएफ की संख्या दिखाता हूँ कितना दूर कितना पीडीएफ जनरेट किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल देख सकते हैं यहाँ पे 55 से 81 पेज का है ये, और नीचे देख सकते हैं 1918 यानी 1918, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग अपना अपना नाम जो है चेक कीजिए, और देखिए अगर सीट खाली रहता है तो काउंसलिंग और होने का चांसेस है, स्पेशल काउंसलिंग है ना या ओपन काउंसलिंग, ठीक है। तो आप लोग जाके चेक कीजिए, चेक करके आप हमें कमेंट कीजिए कि किनका नाम आया है किनका नहीं आया है, उसके बाद जो है इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। फिलहाल इसमें कुछ बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो जाइए और अपना इस प्रकार डाउनलोड करके अपना चेकआउट कर सकते हैं आप। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।